वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि आपका बॉटनी का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका है? बॉटनी। और आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। और इसमें हम बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब तक हमने एक से लेकर तीन तक एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त चित्रों की सहायता से एंथोसिरोस में स्पोरोफाइट की संरचना एवं विकास का वर्णन कीजिए। जो आपका एंथोरोसाइस है, ठीक है, ब्रायोफाइटा है, एंथेरोसाइस, एंथोसिरोस, इसमें जो स्पोरोफाइट होता है उसकी संरचना और उसका विकास किस तरह से होता है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट या अथवा करके आपसे पूछ लेगा। कह रहा है एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की लंबवत का, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, दोनों को आपको पढ़ना है अच्छे से। सबसे पहले क्या कर रहा है, एंथोसिरोस में जो आपका स्पोरोफाइट की संरचना है उसका विकास है वो बनाना है। उसके बाद इसी का जो एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट होता है उसकी लंबवत हमें क्या करना है, काट का नामांकित स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पे, एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट, ठीक है, एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट। आंसर में कह रहा है स्पोरोफाइट का विकास किस तरह से होता है। तो ये जो इसमें लिखा हुआ है इसके आगे इसका डायग्राम है, तो उसको आपको अच्छे से समझना है, जिससे कि डायग्राम समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो विकास किस तरह से हो रहा है, कह रहा है निषेचन के बाद, जब इसका निषेचन हो जाता है उसके बाद जायगोट या ऊ स्पोर अपने चारों ओर, जायगोट बनता है, ठीक है, जायगोट बनता है, इसी को क्या कहते हैं, ऊ स्पोर, जो क्या करता है अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित करके आकार में वृद्धि करता है। अब ये अपने चारों ओर क्या कर लेता है, एक मोटी सी लेयर बना लेता है, भित्ति बना लेता है, और ये अपने आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है, ठीक है। ये अपने चारों ओर क्या बना लेता है, एक भित्ति बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है, एक मोटी सी भित्ति बना लेता है। कह रहा है सबसे पहले जायगोट एक वर्टिकल, कैसा होता है, वर्टिकल डिवीजन द्वारा दो कोशिकाएं बनाता है। सबसे पहले जायगोट में क्या होता है, वर्टिकली डिवीजन होता है और उसमें एक से दो कोशिकाएं आपकी बन जाती हैं, ठीक है। किस तरह से, मान लो ये है, ठीक है, जायगोट, अब इसका क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा, तो इसमें कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी आपकी, एक से दो कोशिकाओं का जो है फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक। ये कौन सी है, भित्ति है, तो ये दो आपकी कोशिकाएं हो गई। कह रहा है ये कोशिकाएं ट्रांसवर्स वॉल द्वारा चार कोशिकाएं बनाती हैं। अब ये जो आपकी दो कोशिकाएं बनी है, अब ये क्या करती है, ट्रांसवर्स वॉल द्वारा, ठीक है, इनके बीच में एक ट्रांसवर्स वॉल बन जाती है जो इनको चार भागों में कन्वर्ट कर देती है, चार कोशिकाएं बना देती है जो असमान होती हैं। अर्थात ऊपर की दो कोशिकाएं बड़ी और नीचे की दो कोशिकाएं कैसी होती हैं, आपकी छोटी होती हैं। अब यही क्या करेंगे, मान लो ये क्या हो गई कुछ इस तरह से, अब इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वॉल द्वारा, ठीक है, ऊपर से इनमें एक ट्रांसवर्स वॉल पड़ जाएगी और ये क्या बना लेंगे, आपकी चार कोशिकाएं, जिनमें ऊपर की आपकी दो कोशिकाएं कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, और नीचे की दो कोशिकाएं आपकी कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये ऊपर की कोशिकाएं हैं जो कि आपकी यहाँ से यहाँ तक बड़ी दिखाई दे रही हैं, ये नीचे की कोशिकाएं हैं जो कि आपकी क्या है, कुछ छोटी हैं साइज में ऊपर वाली से, ठीक है, ये कहानी हो गई। कह रहे हैं पहले विभाजन के राइट एंगल पर दूसरा वेंट्रिकल, ठीक है, वर्टिकल डिवीजन होता है, पहले विभाजन के राइट एंगल पे क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा, जिससे आठ कोशिकाओं वाला एम्ब्रियो बन जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं, आठ कोशिकाओं वाला एम्ब्रियो बन जाता है जिसे क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं। कितनी कोशिकाएं हैं यहाँ पर, चार। अब ये चार से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी आपकी, आठ कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं, ठीक। तो दो तीन चार, तो एक दो तीन चार कोशिकाएं, ठीक है, और चार कोशिकाएं आपकी यहाँ पर भी बन जाएंगी, ठीक। तो इसको हम कहते हैं ऑक्टेंट, क्या कहते हैं, ओ सी टी ए एन टी, ऑक्टेंट, ठीक है, आठ कोशिकाओं वाला एम्ब्रियो, ठीक, ऑक्टेंट कहलाता है। ऑक्टेंट में आठ कोशिकाएं चार चार के दो टीयर्स में अरेंज रहती हैं, ये आठ कोशिकाएं हैं, ठीक है, कितनी है आपकी, आठ कोशिकाएं, और टीयर्स कितने हैं, दो, ठीक है, पहला टीयर्स ये है और दूसरा ये है,
है, जो चार चार के दो टीयर्स में अरेंज रहती है, ठीक है। पहला टीयर सी है जिसमें चार कोशिकाएं हैं, दूसरे में भी आपकी चार कोशिकाएं हैं। कह रहा है इसके बाद विकास विभिन्न जातियों में अलग अलग तरीके से होता है, यहाँ तक तो सेम होता है। इसके आगे की अगर कहानी पढ़ोगे तो कैसा हो जाएगा, आपका अलग अलग मिलेगा, ठीक है। एंथोसिरोस में आपको अलग मिलेगा, मर्केंसिया में आपको अलग मिलेगा, रिक्सिया में आपको अलग मिलेगा, और एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एक और होता है, ठीक है, उनमें सब में आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका आर्थोसिरोस, इरेक्टस में ऑक्टेंट डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। ये जो आपका होता है इरेक्टस, इसमें ऑक्टेंट डिवीजन नहीं होता, यानी कि इस तरह से आठ कोशिकाएं नहीं बनती हैं। इसमें दो टीयर्स ही रहते हैं, कितने टीयर्स रहते हैं, दो भाग रहते हैं, ठीक है, जिनमें से निचला वाला भाग फुट तथा ऊपर वाला भाग आपका क्या कहलाता है, कैप्सूल में विकसित हो जाता है। ये जो फुट होता है, ठीक है, क्या फुट आपका क्या होता है, मांसल भाग होता है, कैसा होता है, मांसल भाग होता है, ठीक है, जो आपका गैमेटोफाइट में धंसा रहता है, ठीक है, धंसा रहता है, जहां से ये भोजन वोजन प्राप्त करता है, ठीक है। फुट क्या होता है, आपका मांसल भाग होता है, जो गैमेटोफाइट में आपका धंसा रहता है, जहां से ऊपर जो आपका कैप्सूल है या ऊपर का जो पोर्शन है उसके लिए क्या करता है, ये भोजन और जल वगैरह ये यहां से ले जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो ये गैमुलोसस है, ये गैमुलोसस है, इसमें दो टीयर्स में से एक की कोशिकाएं ट्रांसवर्स वाल द्वारा विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। इसमें टीयर्स कितने होते हैं, दो टीयर्स होते हैं, ठीक है, कितने टीयर्स होते हैं, दो। अब दो में से क्या है, एक की कोशिकाएं ट्रांसवर्स वाल द्वारा विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। जब ये ट्रांसवर्स वाल द्वारा विभाजित हो जाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, और इस प्रकार चार चार कोशिकाओं के तीन टीयर्स बन जाते हैं, ठीक है, कितने बन जाएंगे, गैमुलोसस की अगर हम बात करें तो इसमें आपके कितने टीयर्स हैं, दो टीयर्स होते हैं, ठीक है, कितने, दो टीयर्स में से एक की कोशिकाएं, ठीक है, दो तीन चार, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, और ये चार, इधर भी आपकी कितनी होंगी, चार कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तो इसमें टीयर्स कितने, एक ये और एक ये। अब क्या ये ट्रांसवर्स वाल द्वारा इसमें से कोई एक टीयर, ठीक है, मान लो इस वाले टीयर का क्या हो गया, विभाजन हो गया, ठीक है, किससे, ट्रांसवर्स वाल द्वारा। तो इस प्रकार चार चार कोशिकाओं के तीन टीयर्स बन जाएंगे, अब चार चार कोशिकाओं के कितने टीयर्स बन जाएंगे, आपके तीन टीयर्स बन जाएंगे, ठीक है, पहला टीयर्स, दूसरा टीयर्स, और ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसको यहाँ देख लो, इस तरह से आपके एक और तीन, ठीक, दो तीन चार, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो ये कितने बन गए, एक ट्रांस, एक दो और ये तीन, तो ये कितने हो गए आपके, तीन टीयर्स, ठीक है। तो कोई एक कोशिका क्या हुआ, एक का एक कोशिका ट्रांसफर द्वारा विभाजित हो गई, ठीक है, दोनों नहीं, अगर दो हो जाते तो कितने बन जाते इसमें, चार बन जाते, ठीक है, चार बन जाते, चार चार कोशिकाओं के रूप में अरेंज रहते, तो एक कोशिका क्या हो गई, वो से ट्रांसवर्स वॉल द्वारा विभाजित हो गई, और उसमें कितने टीयर्स बन गए, तीन, और तीनों में कितनी कोशिकाएं हैं, चार चार कोशिकाएं हैं, ठीक है। सबसे नीचे का टीयर्स क्या कहलाता है, फुट, और ऊपर के दोनों टीयर्स कैप्सूल कहलाते हैं। ये जो सबसे नीचे वाला टीयर्स है आपका, ठीक है, जो सबसे नीचे रहता है वो क्या कहलाता है, आपका फुट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ऊपर वाले होते हैं वो आपके, एक क्या बना लेता है, कैप्सूल, और दूसरा क्या बना लेता है आपका, फुट टीयर तथा कैप्सूल बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं, फुट और ऊपर वाला, दोनों टीयर्स क्या करते हैं, कैप्सूल, ये दोनों टीयर्स आपके कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों टीयर्स कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, कह रहा भ्रूण के ऊपरी टीयर्स की कोशिकाएं, जो ऊपरी टीयर्स की कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, पेरिक्लिनिकली, ठीक है, पेरिक्लिनली, ठीक है, मतलब पैरालली, ठीक है, पी ए आर ए, पैरालली डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है, समांतरी डिवाइडेड हो जाती हैं, एवं दो स्तर बनाती हैं, कितने स्तर बनाती हैं, दो, बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, एम्फीथीसियम, तथा भीतरी स्तर को कहते हैं एंडोथीसियम, इसमें कितने स्तर बन जाएंगे, दो स्तर बन जाएंगे, ठीक है। तो बाहरी स्तर को क्या कहेंगे हम, एम्फीथीसियम, और अंदरी स्तर को क्या कहेंगे हम, एंडोथीसियम, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एंडोथीसियम की इनर सेल्स कॉलुमेला का निर्माण करती हैं। अब ये जो आपका एंडोथीसियम है,
इसकी जो बाहर वाली अंदर वाली आपकी कोशिकाएं वो क्या बनाती हैं आपकी यहाँ पर कॉलुमेला, ठीक है, कॉलुमेला का निर्माण करती हैं। और कह रहा है कॉलुमेला कैप्सूल के सेंटर में स्थित होता है, आपका जो कॉलुमेला होता है वो कहाँ होता है, कैप्सूल के सेंटर में यानी कि उसके बीच में आपका प्रेजेंट होता है, तथा स्टेराइल सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है आपका, स्टेराइड सेल्स का जो है आपका बना होता है, ठीक। कह रहा है एम्फीथीसियम पुनः पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा बाहरी जैकेट लेयर इनिशियल, बाहरी जैकेट लेयर इनिशियल तथा भीतरी आर्कियोस्पोरियम में विभक्त हो जाता है। सबसे बाहरी जो लेयर बनेगी उसको क्या कहते हैं, जैकेट लेयर इनिशियल, ठीक है, बाहर वाली एक लेयर बना लेता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। और भीतरी लेयर क्या होती है, आर्कियोस्पोरियम, ठीक है, उसके अंदर जो एक लेयर बनती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्कोस्पोरियम, आर्कियोस्पोरियम कहते हैं। जैकेट इनिशियल में अनेक बार विभाजन होने से, इनमें कई बार विभाजन होता है जिससे 5 से 6 स्तरीय कैप्सूल बॉल बन जाती है। इसमें कितनी होगी, 5 या 6 स्तर की कैप्सूल एक आपको बॉल दिखाई देगी, ठीक है, 5 या 6 स्तर की एक बॉल दिखाई देती है यानी कि भित्ति दिखाई देती है। कैप्सूल की बाहरी भित्ति एपिडर्मिस, सबसे बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं हम, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है, कहलाती है, जिससे जिसमें आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं। सबसे बाहरी भित्ति में क्या पाया जाता है आपका, स्टोमेटा, जिन्हें संरंध्र कहते हैं, क्या कहते हैं, संरंध्र कहते हैं, जहां से आपका लाइट एंटर करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, स्टोमेटा पाए जाते हैं। भित्ति के शेष स्तरों की कोशिकाओं में, शेष स्तर, ठीक है, चाहे आपके 4 स्तर बचे हों या 5 बचे हों, कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषी होती है, यानी कि इनमें क्या होगा, अब प्रकाश संश्लेषण होगा। स्टोमेटा जैसे ओपन होंगे उसके अंदर जो आपकी 4 से 5 लेयर हैं उनमें क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जहां आपका लाइट जाता है और वहां पर क्या होता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और फूड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आर्कियोस्पोरियम की कोशिकाएं विभाजित होकर कॉलुमेला के ऊपर एक डोम बनाती है, क्या बनाती है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनाती है, किसकी कोशिकाएं, कॉलुमेला के ऊपर, ठीक है, किसकी कोशिकाएं, आर्कियोस्पोरियम की कोशिकाएं विभाजित होकर बटकर क्या बना लेंगी आपकी, स्पोर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। और आर्कियोस्पोरियम की कुछ कोशिकाएं, इसकी बची हुई जो कोशिकाएं होती हैं वो स्पोर मदर सेल, क्या, स्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। स्पोर मदर सेल्स मतलब कि कोई एक ऐसा स्पोर, ठीक है, कोई एक ऐसा स्पोर जो आगे चलकर एक यंग स्पोर बना लेता है या एक यंग ब्रायोफाइटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मदर सेल स्पोर, क्या कहते हैं, मदर स्पोर, स्पोर मदर सेल कहते हैं। यही आगे चल के पूरा लाइफ साइकिल को चलाता रहता है, ठीक है। कह रहे प्रत्येक स्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बनाता है। मियोसिस, मियोसिस मतलब इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा कैसा बना लेता है, 4 हैप्लॉयड, 4 कोशिकाएं बनाएगा, ठीक है, कितनी बनाएगा, 4 कोशिकाएं, लेकिन वो कैसी होंगी आपकी, हैप्लॉयड होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, अगुणित होंगी, ठीक है, यानी कि इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, एक गुणा होगा, ठीक है, एन जिसे कहते हैं। तभी कैसे होती है, हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं। कह रहा कुछ स्पोर मदर सेल्स इलेटर मदर सेल्स बनाती हैं, कुछ आपके जो मदर सेल्स होती है वो क्या बनाती है, इलेटर मदर सेल, ठीक है, इनके अंदर क्या हो जाता है, इनके अंदर जस्ट रिबन लाइक, ठीक है, किसकी तरह, रिबन लाइक संरचनाएं बन जाती है, इनको हम कहते हैं इलेटर्स कहते हैं, ठीक है, और स्यूडो इलेटर्स को जन्म देती है, स्यूडो इलेटर्स को जन्म देती है, मतलब कि ये जो इलेटर्स हैं ये बाद में कैसे हो जाते हैं आपके, कुछ टूट फूट जाते हैं और ये आभासी हो जाते हैं, जैसे होने चाहिए उस फॉर्म में नहीं रहते, इनको कहते हैं स्यूडो इलेटर्स, ठीक है। कह रहा प्रत्येक स्यूडो इलेटर्स 2 से 5 कोशिकीय संरचना होती है, जो आपका स्यूडो इलेटर्स होता है वो 2 से 5 कोशिकीय संरचना होती है, इसमें 2 से लेकर 5 कोशिकाएं तक आपकी देखने को मिलती है, जिस पर स्पायरल थिकनिंग एक मोटी भित्ति पाई जाती है, ठीक है, क्या पाया जाता है, एक मोटी भित्ति पाई जाती है, वो कैसी होती है, स्पायरल होती है आपकी, ठीक, घुमावदार होती है। स्यूडो इलेटर्स आर्द्रता ग्राही होते हैं तथा स्पोर डिस्पर्जल में सहायता करते हैं, ये कैसे होते हैं, आर्द्रता ग्राही मतलब नमी को ग्रहण करते हैं, खींच लेते हैं, और स्यूडो और किस में भाग लेते हैं, ये पोर डिस्पर्जल में भाग लेते हैं, ठीक है, पोर्स को डिस्पर्स करने में या ऐसे तोड़ने में भाग लेते हैं ये, ठीक है, कौन से आपके
स्यूडो इलेटर्स, ये आपका इसका स्ट्रक्चर दे रखा है जो कि आपसे पूछा है बेल लेबल डायग्राम, ठीक है। एक स्वच्छ और नामांकित चित्र, ये क्या है आपका जायगोट। ये कहानी किसकी है आपकी, मेल और फीमेल, ठीक है। एक क्या था आपका मेल और दूसरा क्या था आपका फीमेल। जब इन दोनों में रिएक्शन होती है, ठीक है, फीमेल का क्या होता है आपका एग सेल ऑफ आर्किगोनियम, ये जो आपका फीमेल होता है इसका क्या होता है एग सेल होता है, ठीक है, एग सेल, ठीक है, किसमें पाई जाती है आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। और जो आपका मेल पार्ट होता है इसमें क्या होता है आपका एंथ्रोजोइट, क्या होता है THRO एंथ्रोजोइट, ठीक है। अब इन दोनों में आपस में क्या होता है फ्यूजन होता है, ठीक है, क्या होता है इन दोनों में आपस में फ्यूजन होता है, वहां के बाद क्या बनता है आपका जायगोट बनता है, ठीक है। जायगोट में क्या है आपका एक कोशिका है, ठीक है, इसी को कह रहे हैं हम जायगोट। अब इसमें क्या होता है विभाजन होता है, इसमें फर्दर क्या होता है आपका विभाजन होता है और एक कोशिका से आपकी कितनी कोशिकाएं बन जाती है, दो कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है। कितनी बन जाती है आपकी, दो कोशिकाएं, एक और ये आपकी दो, जैसे कि अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी वही वाला है यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना। ये दो कोशिकाएं सेल बन जाती है, इसमें फर्दर डिवीजन होता है तो कितनी कोशिकाएं बन जाती है आपकी, चार कोशिकाएं, जिसमें पढ़ा था कि ऊपर की दो कोशिकाएं आपकी बड़ी और नीचे की दो कोशिकाएं आपकी छोटी रहती है, ठीक है। ये बनता किसके किसके द्वारा, ट्रांसवर्स वॉल द्वारा इसमें डिवीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी बन गई, चार कोशिकाएं बन गई, ठीक है। इसके बाद चार से कितनी बन जाती है आपकी, आठ कोशिकाएं, जिसे क्या कहते हैं ऑक्टेंट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं ऑक्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है एट सेल्ड आपका क्या होता है एट सेल एम्ब्रियो होता है, ई एम बी आर वाई ओ, एट सेल्स एम्ब्रियो होता है, जैसे हम क्या कहते हैं ऑक्टेंट। तो यहां पर ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के बाद की कहानी क्या, अब ये क्या करेगा, इसके बाद इसके ऊपर जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, बाहरी कोशिका जो आपकी इसकी, यहाँ पर एक बाहरी कोशिका का निर्माण होगा कुछ इस तरह से, ये एक अंदर की कोशिका और ये, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे एम्फीथीसियम, क्या कहेंगे बाहर की कोशिका को, हम बाहर की जो लेयर है उसको कह दिया एम्फीथीसियम। इसके अंदर वाली जो ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इतना वाला भाग ये, इसको हमने क्या कह दिया, इसको कह दिया एंडोथीसियम, क्या है ये एंडोथीसियम। अब आगे चल के क्या होता है, जो आपका एम्फीथीसियम है, ठीक है, ये इस, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, एक बाहरी जैकेट बना लेता है, क्या बना लेता है एक बाहरी, ये वाली एक आपकी क्या बना लेता है जैकेट का फॉर्मेशन कर लेता है कुछ इस तरह से, ठीक ये, ठीक। और इसके अंदर ये जो कोशिकाएं भरी हुई हैं, ये जो कोशिकाएं हैं ये अपने आप को और डिवीजन कर लेती हैं, ठीक है, और कितनी कोशिकाएं बन गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, अब यहाँ पर कितनी हो गई, इसके अंदर क्या होता जा रहा, इसके अंदर ट्रांसफर वॉल डिवीजन होता जा रहा, जहाँ पर क्या हो गई और अधिक कोशिकाएं बन गई, ठीक है, बारह बन गई। अब इसमें क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं कॉलुमेला कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये जो है आपका क्या कहलाता है कॉलुमेला, और सबसे नीचे वाला भाग आपका क्या कहलाता है फुट कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है फुट कहलाता है, और इसको कहते हैं मेरिस्टमैटिक रीजन, क्या कहते हैं, ये जो कोशिकाएं आपको इस तरह की दिखाई दे रही है ये कौन सा रीजन है आपका मेरिस्टमैटिक, और इधर वाला रीजन आपका क्या है ये फुट कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है फुट, जो फुट होता है वो मांसल भाग होता है और गैमेटोफाइट में धंसा रहता है, क्या कर रहता है करता है गैमेटोफाइट में आपका धंसा रहता है, ठीक है। इसके बाद की कहानी क्या है आपकी, ये तो ये आपका क्या बन जाएगा एक यंग बन जाएगा, ठीक है, थैलस, इसको कहते हैं थैलस, क्या है ये आपका क्या है थैलस, जो इसको चिपकाए रखता है, ये आपका फिर से बन जाएगा आर्कियोस्पोरियम, और इसको कहते हैं इनकोक्यूल, और ये आपका क्या हो जाएगा फुट भाग हो जाएगा, ये भाग कौन सा हो जाएगा आपका फुट, जो कि किसमें धंसा हुआ है आपका गैमेटोफाइट में धंसा रहता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको छः सात स्टेप हैं, ये अच्छे से डायग्राम बनाना सीख लेना, ठीक है। तो इसमें वही है जो ऊपर लिखा था हमने, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, और ये बिल्कुल वही बना हुआ है जो कि थ्योरी में आपको बताया गया है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, परिपक्व गैमेटोफाइट, क्या अब ये जो गैमेटोफाइट है वो परिपक्व हो जाता है, यानी कि मेच्योर हो जाता है, ठीक है, डिवीजन करने के लिए हो जाता है। तो कह रहा है
एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त हो जाता है, तीन भागों में बट जाता है, ठीक है। एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट, नंबर एक फुट, फुट क्या होता है, कह रहा है ये स्पोरोगोनियम, क्या स्पोरोगोनियम का सबसे निचला मांसल भाग होता है, स्पोर्स में स्पोरोगोनियम होता है, उसके नीचे का सबसे निचला मांसल भाग क्या कहलाता है, आपका फुट कहलाता है, ठीक है। जो गैमेटोफाइट थैलस के ऊतकों में धंसा रहता है, ठीक है, जो नीचे था अभी देखा था इस तरह का थैलस, इसमें गैमेटोफाइट और इसी के ऊतकों में ये धंसा रहता है, कौन आपका फुट, ठीक है। और क्या करता है, इसका मुख्य कार्य गैमेटोफाइट से भोजन का अवशोषण कर विकसित हो रहे स्पोरोफाइट को पहुंचाना, ये क्या करता है, गैमेटोफाइट से भोजन को अवशोषित करता है, और जो ऊपर का भाग है, ठीक है, बाकी जो आपका पूरा विकसित हो रहा है आपका, ठीक है, स्पोरोफाइट, उसको क्या करता है, भोजन पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है मेरिस्टमेटिक प्रदेश या मेरिस्टमेटिक रीजन, यह फुट से कुछ ऊपर एवं कैप्सूल के नीचे का भाग होता है, कैप्सूल के नीचे का मेरिस्टमेटिक रीजन है, जो आपका फुट सबसे नीचे होता है उससे ऊपर और कैप्सूल से नीचे यानी कि बीच का भाग आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मेरिस्टमेटिक रीजन, ठीक है। मेरिस्टमेटिक रीजन फुट के ऊपर और सबसे ऊपर जो कैप्सूल होता है उसके बीच का भाग आपका मेरिस्टमेटिक रीजन कहलाता है। इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है यानी कि इसमें लगातार डिवीजन चलता रहता है और कोशिकाएं आपकी ग्रो करती रहती हैं, ठीक है, बढ़ती रहती हैं, जिससे कैप्सूल की लंबाई में वृद्धि होती रहती है और कैप्सूल आपका बड़ा होता रहता है, ठीक है। अब इसकी एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है वो आप और देख लो, ठीक है, ये आपका है एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर जो कि आपसे पूछा गया है, ठीक है, इसका आपको डायग्राम बनाना है। अच्छा, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर किसका, स्पोरोफाइट का, ठीक। तो ये आपका जो नीचे वाला रीजन है, ठीक है, इसको कहते हैं फुट, क्या है, ये आपका फुट है, और बाकी जो आपका ये इतना भाग है, ठीक है, ये तो फुट क्या होता है, इन ऊतकों में धंसा रहता है, ठीक है, इनमें आपका फुट धंसा रहता है, ठीक है, मेरिस्टमेटिक रीजन में, इसको कहते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है, थैलस। तो इसमें क्या होता है, ये फुट आपका धंसा रहता है जहां से भोजन को ग्रहण करता है और ऊपर को भोजन को कैप्सूल के क्षेत्र में पहुंचाता रहता है, ठीक है। इस प्रकार की ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई देते हैं ये आपके स्पोर्स हैं, क्या है, ये आपके स्पोर्स हैं, ठीक है, ये वाले, और ये क्या है आपका स्यूडो इलेटर्स, विलेटर्स, इलेटर्स भी कुछ आपका इस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। कोनों पे कैसा होगा, नुकीला होगा आपका, और बीच में कैसा होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, लेकिन यहाँ पर ये कुछ इस तरह की संरचना इनकी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ इस तरह की। तो ये है आपके स्यूडो इलेटर्स, ठीक है, नीचे आपके स्पोर्स, ये आपका क्या है, स्पोर्स, ठीक है, टेट्रेड हो गया आपका, कैसा हो गया, ये टेट्रेड हो गया, ठीक है, तीन कोशिकाएं हैं एक स्पोर में, तो ये कैसा होगा, टेट्रेड स्पोर, ठीक है, कोशिकाओं की संख्या अब बढ़ रही, ऊपर कितनी थी केवल, नीचे इसके बाद देखो स्पोर मदर सेल, अब यहाँ पर जो है स्पोर, ठीक है, स्पोर और क्या है ये मदर सेल, ठीक है, केवल एक ही फॉर्म में, यानी कि एक ही कोशिका है, तो यही आगे चल के क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, और एक यंग स्पोर का फॉर्मेशन करेगा जिससे कि एक नया जो है संतति का निर्माण हो जाएगा। ये आपके क्या है, एपिडर्मिस, ये सबसे बाहरी त्वचा आपकी क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। और बीच में ये जो आपका कुछ इस तरह से नजर आ रहा है ये आपका क्या है, कॉलुमेला है, ठीक है, क्या है, कॉलुमेला, और ये जो लाइन आपकी एक दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से ये वाली आपको, ठीक है, ये इसको कहते हैं आर्कीस्पोरियम, क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियम। तो ये आपको पूरा जो है अच्छे से बना के देख लेना है, आने की संभावना है, ठीक है, अच्छा है पार्ट पूछा जाता है लॉन्गिट्यूडनल कार्ट। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है कैप्सूल, कैप्सूल क्या आता है, यह है स्पोरोगोनियम का मुख्य भाग है, किसका, स्पोरोगोनियम का मुख्य भाग है जिसमें स्पोर्स उत्पन्न होते हैं, मतलब कि बीच में रहता है, जहां भी हमने देखा था स्पोर्स वही होता है, ठीक है। इसमें क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं किसमें, किसके में, कैप्सूल में, ठीक है। स्पोरोगोनियम का आपका ये मुख्य भाग होता है और इसी में क्या बनते हैं आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कैप्सूल के मध्य में कॉलुमेला, जो आपका कैप्सूल होता है उसके बीच में आपका क्या बनता है, कॉलुमेला का निर्माण होता है, ठीक है। और कह रहा है यह वाटर कंडक्टिंग पार्ट है, जो कॉलुमेला है वो क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, ठीक है, ऊपर तक पानी को पहुंचाता है आपका, तथा कैप्सूल को मैकेनिकल सपोर्ट,
आपका जो बीच में कैप्सूल होता है उसको यांत्रिक सपोर्ट देता है, ठीक है, क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके दोनों ओर आपके स्पोर मदर सेल और स्पोर एवं स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। इसके दोनों ओर आपके क्या मिलेंगे, अभी हमने देखा था स्पोर था, स्पोर स्यूडो इलेटर्स था, और क्या था आपका मदर सेल था, और एक टेट्रेड स्पोर सेल था, ठीक है। तो इसके चारों ओर ये आपके देखने को मिलते हैं। करें कैप्सूल की भित्ति 2 से 5 स्तरीय हो सकती है। जो आपका कैप्सूल होता है उसमें कितनी स्त्रियों कितने स्तर हो सकते हैं, 2 से 5 स्तर भी आपके उसमें देखने को मिल सकते हैं। कह रहा है जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इस कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका आज का एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की लंबवत काट और उसमें स्पोरोफाइट की संरचना और उसका विकास, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ये देखकर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द